नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। तीन सगे भाइयों की मिसिंग मिस्ट्री, मतलब गुमशुदगी, लापता होने के मामले की एक और पुलिस जांच कर रही है। 8 दिन बीत गए हैं, कोई नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है। हालांकि पुलिस के पास जो ये मामला पहुंचा है उसके 6 दिन बीते हैं। खैर, जो भी हो, 6 दिन से 8 दिन के बीच का मसला है। लापता हुए 6-8 दिन बीता है, लेकिन पुलिस के पास जो कंप्लेन है उसके हिसाब से 6 दिन से वो लापता है। और कहीं अता पता इन तीनों भाइयों का नहीं चल रहा है। पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। इसमें दो पक्ष के लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। एक पक्ष तो है जो ये तीनों भाई की गुमशुदगी है, लापता है, ट्रेसलेस है, मिसिंग है, जो भी कहिए। तो इनके परिवार के लोगों का कहना है कि गायब हो गए हैं रहस्यमय तरीके से। जो भी है, आशंका तो बहुत सारी जताई जा रही है परिवार की तरफ से, लेकिन जो कंप्लेन है उसके हिसाब से गुमशुदगी का मामला है तीनों भाई का। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो सामने मुखर होकर के आए हैं, और उनों का कहना है कि कई करोड़ रुपए, सैकड़ों हजारों महिलाओं के कई करोड़ रुपए लेकर के ये तीनों भाई रफू चक्कर हो गए हैं। ये तीनों भाई हैं कौन, पहले के वीडियो में आपको बताते रहे हैं। सिरदला प्रखंड के, नवादा जिले के सिरदला प्रखंड के शेरपुर गांव के मोजीबुल हक के बेटे हैं नसीम अंसारी, मोहम्मद सईद और मोहम्मद हफीजुर रहमान। आज जब कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट करने के लिए, नवादा की सड़कों पर विरोध मार्च निकालने के लिए सारी महिलाएं जब जमा हुई, भाकपा माले का जो संगठन है उसका महिला विंग और सहित अन्य जो विभिन्न कामगार संगठन वगैरह है उसके बैनर के तहत नवादा शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जुलूस निकाला गया। और उस दौरान कई सारी महिलाओं से हमारी बातचीत हुई, और उन महिलाओं ने जिस मासूमियत से अपनी पीड़ा का इजहार किया, अब पूरा वाक्य बताए, उसमें तो ये बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है। आलम यह है कि महिलाओं का जो बयान है कि एक एक गांव में 100, 200, 300, 400 तक के महिलाओं के साथ इस प्रकार का फ्रॉड हुआ। फ्रॉड किस रूप से होता था? इलाके में बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काम करती थी, जिसमें सेटिंग बैंक एक है। बताइए, ऐसा सेटिंग हुआ कि गरीब लोग कंगाल हो गए। आरोहन है, शक्ति ग्रामीण है, अन्नपूर्णा बैंक है, सबजना बैंक है, स्वतंत्रता बैंक है, कुछ इस टाइप का बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जो कि उस कंपनी के कर्मचारी के साथ ये दलाल, ये तीनों भाई महिलाओं के पास जाते थे। और इन तीनों भाई के अलावा इनकी एक बहन जो शेरपुर गांव में ही रहती है वो भी इसमें शामिल होती थी। ये लोग जाते थे, महिलाओं को बरगलाते थे कि आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, ये वोटर कार्ड दो वगैरह, मतलब उसका आइडेंटिटी से संबंधित सारा कागजात डॉक्यूमेंट्स लेते थे और उनको लोन दिलाते थे। और लोन दिलाने के नाम पर जो है, जब लोन हो जाता था 40 से 50 हजार रुपए के बीच में एवरेज लोन होता था, और वो सारे पैसा को जो है सो यह झांसा दे करके ये तीनों भाई रख लेते थे कि हम आपको सामान देंगे या बच्ची की शादी के समय में हम 50 हजार रुपया फ्री में मदद करेंगे, ये पैसा आप हमको दे दीजिए, मासिक हम आपको इसका इंटरेस्ट देंगे, किसी को 1,000, किसी को 2,000। और उस बाकी जो EMI बैंक का था वो भी खुद कहते थे कि हम भर देंगे। आलम हुआ कि एक एक घर से 4-4, 5-5 महिलाएं खुद ले ली लोन या दिला दिया गया लोन उनको। अब जब इस घर में आया कि इस प्रकार की सुविधा है, घर में नमक तेल हल्दी ब्याज बैंक का लोन भी चुकता हो रहा है, पैसा भी मेरा 40-50 हजार सुरक्षित है, और हमको 1,000-2,000 रुपया महीना भी आ रहा है दाल तेल की व्यवस्था के लिए घर में, तो महिलाओं से कनेक्ट, उनकी बहन, उनकी ननद, उनकी और जो मतलब नाते रिश्तेदार हैं, वो सारे लोगों को इन लोगों ने जोड़ लिया और सारे लोगों को लोन दिला दिया। अब देखिए, हम आपके आगे आपको वीडियो में हम सुनाएंगे। बहुत सारी महिलाओं से हमारी बातचीत हुई, पीड़ित महिलाओं से, उनसे जो बात आई छन कराई बहुत ही गंभीर है। और ये मामला जो है एक एक गांव से 1-2 करोड़, 5 करोड़ रुपया तक का के लोग ऋणी हो चुके हैं, लोनी हो चुके हैं, मतलब समझिए कि इनकी चमड़ी को नोच करके वो लोग लेके चला गया है। आलम यह है कि पुलिस अभी तक की जो स्थिति है, नवादा पुलिस एक ही तरफ ध्यान दे रही है, या नवादा प्रशासन कहिए, कि उन तीनों भाइयों को ढूंढने में,
ये महिलाएं जो रो बजर रही है, जिनका सब कुछ डूब चुका है, उन लोगों के तरफ ध्यान नहीं है। कुछ महिलाओं ने कहा भी कि हम 22 अक्टूबर को गए थे, वहां सिरदला थाना गए भी थे, तो यह कहते हुए हमारा आवेदन नहीं लिया गया FIR के लिए कि पहले वो तीनों भाई को रिकवर तो कर लें, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे इसमें जुड़ी। हालांकि SDPO रजौली से हमारे इस मुद्दे पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई कंप्लेंट आएगा तो हम कंप्लेंट लेंगे। फिलहाल आज प्रोटेस्ट हुआ नवादा की सड़कों पे और उसके बाद DM को एक स्मारक पत्र सौंपा गया और DM के द्वारा कहा गया है कि हम इसकी जांच कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम उन महिलाओं की बातचीत सुनाते हैं, उनकी बातचीत, उनके दर्द को सुनिए और समझिए कि क्या उनके साथ हुआ, क्या उनकी आप बेती है। बहुत ही मतलब एक तरह से रो कलप रही है ये महिलाएं कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, लुट चुके हैं, तो जो बैंक वाले लोग हैं उन तो पैसा अब तगादा भी करना शुरू कर दिए हैं, तो हम पैसा देंगे कहाँ से। तो एक तरह से समझिए ये करोड़ों करोड़ का खेल हुआ है और ये तीनों भाई और इनकी एक बहन का भी नाम सामने आया जो कि महिलाएं बता रही है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, तो इन लोगों के द्वारा किया गया। अब देखना है कि आगे इस मामले को कैसे लिया जाता है। भाकपा माले इसको इशू बना लिया है। जो भाकपा माले की नेत्री है सावित्री देवी, उनका कहना है कि हमारे सांसद और विधायक जो है सो बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली के लोकसभा तक में इस मामला को उठाएंगे। मामला आसान नहीं है और जितना बड़ा खेल है ये तो पता नहीं, अगर सही से जांच किया जाए तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो कर्मचारी लोग हैं कितना लुटवाए हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए कुछ महिलाओं की बातचीत का कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं, सुनिए उनकी व्यथा को, सुनिए। एक अपील है दोस्तों कि आप ने अगर हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है नवादा लाइव को तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी आगे भी, जैसे कुछ और अपडेट्स आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल हम आपको महिलाओं का बयान सुनाते हैं जो कलेक्ट्रेट पर आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आई। आप लोगों में सभी कोई है जिनके साथ हुआ है फ्रॉड? बताइए क्या मामला है? मामला है कि मतलब कोई परिवार के जरिए से वहाँ यहाँ आया और हम लोग गोविंदपुर दर्शन के रहने वाले हैं, वहीं आया। कहाँ के रहने वाले? गोविंदपुर दर्शन के रहने वाले। अच्छा, गोविंदपुर दर्शन। हाँ, कहीं उसका घर है जो गीता देवी आप ही है क्या? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूनम देवी। पूनम देवी, चलिए। हाँ, क्या हुआ घटना? हम लोग के साथ फ्रॉड बहुत हुआ है, धोखाधड़ी बहुत हुआ है सबके साथ, मतलब कि 10 महिला के साथ बोला कि आप लोग लोन दीजिए हम लोग के, और आपको 1000 के महीना देंगे, 1000 के महीना देंगे एक लोन पर, 2 लोन दीजिएगा 2000 के महीना देंगे, 3 दीजिएगा 3000 के महीना देंगे, आप लोग का राशन पानी चलेगा घर में, अच्छा से खाने पीने के लिए चलेगा कम से कम, आप लोग दर्द हम समझते हैं। और क्या किए कि बोले कि जाओ जाओ पैसा लोन के भी लेके आते थे साथ में, लोन के भी लेके आते थे, लोन बैंक के मतलब लेके आते थे। अच्छा, बैंक वाला को साथ लेके आते थे। अच्छा, हाँ, बैंक वाला के साथ ला करके हम लोगों के मतलब 10 महिलाओं को बैठा करके सबको समझा देते थे कि सबको पैसा देंगे, पैसा के लालच में सब लोग फंसते चले गए, हम लोग को मालूम नहीं थे आगे ऐसे। तो आपके जानकारी में कितना महिलाओं को ठगी हुआ है? बहुत सारा, देखिए देख रहे आपके गाँव के, मेरे गाँव के लगता करीब 300-400 है। 300-400। कितना पैसा आप लोग को लोन मिलता था? मिलता था 45,000 रुपया एक लोन, एक महिला को की? हाँ, एक समूह, एक महिला को 400 महिला का 45,000। हाँ, सब कुछ चला गया। हाँ, सब कुछ चला गया। और वही 1000 के देता था, कुछ दिन दिया, कुछ दिन बोला कि हम भरेंगे लोन, आप लोगों का कोई चिंता नहीं, सिर्फ आपका नाम रहेगा, उसके बदले आपको 1000 रुपया देंगे। कौन कंपनी था जिससे आपको लोन? सेटिंग बैंक, सबका बैंक, सबजना बैंक, सेटिंग सबका, आरोहन, शक्ति ग्रामीण और स्वतंत्रा बैंक, संपूर्णा बैंक, ये सब था। सब बैंक चलता कहाँ है? कहाँ बैंक था ये? आप लोग गए? रजौली था, एक ठो रजौली, नवादा भी है। आप बैंक गई हैं? जी हाँ गए हैं। आपको कौन बैंक से लोन मिला था? हमको मिला था सेटिंग बैंक से। सेटिंग बैंक कहाँ है, कहाँ चलता है? रजौली में है। रजौली है। हाँ, और हम लोग दे दिया और फिर हम लोग सारा पैसा उसे घर जाके दिए, वो अपना घर भी बुलाए, उनका घर गए जाके, आने जाने का भाड़ा दिया। कागज पत्र देता था? जी नहीं, कुछ नहीं देता था, सिर्फ हम लोग का मतलब कि कागज पत्र लगा था, हम लोग को लोन पास। आपसे कौन आदमी मिला था पहले? पहले मिला था नसीम खान, शहीद खान, उनकी बहन एगो थी, तीनों आई थी। बहन कहाँ की है? बहन वही के बहन रहती, वही रहती शेरपुरा में। शेरपुरा वाली? शेरपुरा, शेरपुरा ग्राम, शेरपुरा, शेरपुर वाली। जी मैरिड है? मैरिड है।
हम लोग ठग के पैसा सारा को लेके भागे। गीता देवी, रीता देवी कहाँ घर है? तरमा फतेहपुर। और गांव कौन सा है? नीमी। तो गया जिला में आप लोग वहाँ भी हो गया आपको? हाँ, कितना पैसा मिला आपका ठगा? पाँच वो है। और कितना कितना दिया पाँचों के? दो पचास पचास, दो चालीस चालीस, एक पैंतीस हजार। कई महीना पहले लिए थे? कितना बोले फिर से बताइए जरा? तीन तीन लाख रुपए। चार समूह के? चार महिला की? चार समूह, चार आदमी। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? जगन्नाथपुर नवादा ब्लॉक। क्या नाम है आपका? आशा देवी। कहाँ घर है? बिसियात मंझला सिरदला ब्लॉक मेस्कौर। मेस्कौर ब्लॉक। हाँ, कितना पैसा लिया आपका? आपके नाम खाली 80,000 है? कई महीना पहले आप लिए थे पैसा? सर अब हम तो तुपरा अभी ताजे ताजे। मंजू कहाँ घर है? हेमजा भारत सिरदला ब्लॉक। आपका कितना पैसा लिया है? मेरा पैसा 5 लाख का पहले लिया, लेकिन वहाँ हेमजा भारत गांव से 10 करोड़ रुपया ले गया। जब पाँच गांव के मिला कर केतरिया पंचायत, दस करोड़ रुपया ले गया आपके यहाँ से? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? भारती देवी। कहाँ घर है? खेमजा भारत। आप रजौली था ही सिरदल थाना गई थी कई तारीख को? क्या हुआ वहाँ, क्या बताया? केस करने गई थी? जी सर। तो केस नहीं लिया? नहीं लिया, बोला कि उसका घर का जो है तो अपहरण का मामला है मेरा। वो वहाँ पर पुलिस पूछताछ बोल बड़ा भाव नहीं है, आए आप लोग आए हैं तो अपहरण का केस है, तो जब तक नहीं पकड़ाएगा तब आप लोग का कैसे मामला? थाना में क्या कह दिया कि अभी अपहरण का केस हो रहा है, जब तक वो बरामद नहीं होता हम लोग कुछ नहीं करेंगे? हाँ, क्या बोलो? अभी उसका ही खोजने गया है बड़े बाबा। उसका उसको खोजने क्या बड़ा? पटना सर, पटना। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। आपका घर कहाँ? हेमजा है भारत। अच्छा, हेमजा भारत में कितना लोग के साथ ठगी हुआ है? कम से कम लगता है कि 100 आदमी होगा। 100 आदमी? हाँ सर। कितना रुपया होगा? एक आदमी तो 2.5 लाख, 3 लाख, एक महीने से समझो 3 लाख। खुद ही बोल रही है? थोड़ी है अपहरण थोड़ी हुआ है, वो बोला पटना हम गए हैं, पटना में पटना मेरा पति गया अपहरण किया, वहाँ बनारस में उसको गाड़ी लगल था 3 दिन से लवाई। दुबई चल गया आपको लग रहा है? दुबई चल गया, इधर थोड़ी है। तो पासपोर्ट जो है सर से थाने के आदमी ले गया। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ गए? हमजाबाद।